दरभंगा में खुल चुका है नया पार्क। अगर आप अब तक वहाँ नहीं गए हैं तो आइए मेरे साथ और चलते हैं वैदेही नगर पार्क, जो कि शिवधारा के नज़दीक वैदेही नगर में है। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक फ्री एंट्री रहती है। अगर आप चाहें तो सुबह आकर यहाँ पर मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, और साथ ही 10 बजे से शाम के 7 बजे तक टिकट के साथ एंट्री चालू रहती है। 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के लिए एंट्री टिकट है ₹5, 12 वर्ष से ऊपर तक की आयु के लिए एंट्री टिकट है ₹10। तो चलिए हम लोग टिकट लेते हैं और चलते हैं पार्क के अंदर। एंट्री करते के साथ ही आपको सामने की तरफ कुछ झूले दिखेंगे, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इस पार्क का निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा शुरू किया गया था, पर अब ये बिहार सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी सारे आकर्षक झूले मौजूद हैं, और साथ ही बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। मार्केट से दूर होने की वजह से यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत और दिल को सुकून देने वाला है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको इस पार्क के बारे में कुछ बातें बता दूं। इस पार्क के निर्माण के लिए नगर निगम द्वारा 2016 में ही कह दिया गया था, और 18 अगस्त 2019 को ये पार्क बनकर तैयार हो गया, और ये पार्क 74 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है। और इसी के साथ अब शाम के 7 बज चुके हैं और इस पार्क के बंद होने का समय हो गया है, तो चलते हैं हम भी यहाँ से। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।